मैं मनीष निराला आप लोगों का अन अकेडमी पर वेलकम करता हूं। आ जाओ स्टूडेंट, सारे लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ सारे लोग। हनी कुमारी ने ज्वाइन किया, संदीप अग्रवाल ने ज्वाइन किया, वेरी गुड। आ जाओ सब लोग जल्दी से जल्दी। आशी ने ज्वाइन किया, आ जाओ सब लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ। आज मैं स्पेशल क्लास, हाँ डीलू आनंद ने ज्वाइन किया, वेरी गुड। दीपक शर्मा ने किया, अभिषेक कुमार ने किया, वेरी गुड। आ जाओ, देखो अन अकेडमी पर आज मैं आप लोगों के लिए, कैसे हो सब लोग, सारे स्टूडेंट कैसे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू क्लॉक बिहार दरोगा मेंस के लिए लेके आ रहा हूँ, जो रीजनिंग में। हाँ हेलो दीपक, कैसे हो, नमस्कार डिलू, आ जाओ सब लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ। हाँ वेरी गुड केरन, हाँ संतोष ने ज्वाइन किया। एक बार एक मिनट का टाइम ले लो सब लोग, जल्दी से जल्दी आ जाओ। आज अन अकेडमी प्लस पर मैं बीपीएससी विंग में, वैसे तो ये किसी भी, चाहे एसएससी का एग्जाम देने वाला स्टूडेंट हो, आरपीएससी हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एक जगह पे ये टॉपिक आता है। तो क्लॉक में हम लोग बहुत क्वेश्चन कॉन्सेप्ट, अंजलि शर्मा वेलकम करता हूँ मैं आपका, आ जाओ सब लोग जल्दी से जल्दी आ जाओ, सारे स्टूडेंट जुड़ जाओ जल्दी से जल्दी। और बताओ कैसे हो सब लोग, सब बस एक ही मूल मंत्र ध्यान रखना, घर पे रहना, ऑनलाइन क्लास पढ़ना। ओके ढिलू आनंद, हाँ आ जाओ सब लोग, आ जाओ जल्दी से जल्दी। मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लॉक का, क्लास स्टार्ट कर रहा हूं आपके साथ, क्लॉक की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं मैं। पल्लवी कुमारी ने ज्वाइन किया, अमित ने ज्वाइन किया, वेरी गुड, नमस्कार अमित, कैसे हो। ठीक है तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। देखो मैं अपने बारे में एक बार बता दूं, आप सबको पता भी है ज्यादातर स्टूडेंट को। हाँ विवेक कुमार सिंह ने ज्वाइन किया, कैसे हो विवेक, वेरी गुड अमित। मैं मनीष निराला, 13 ईयर से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखता हुआ इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट बीएससी एकेडमी चाणक्य आईएएस पैरामाउंट एमएनसी केडी कैंपस में मैथ्स और रीजनिंग की क्लास ले चुका हूँ। आई एम द ओल्ड स्टूडेंट ऑफ नेत्रहाट विद्यालय, मैं नेत्रहाट विद्यालय का पूर्ववर्ती छात्र हूँ। जो भी बिहार और झारखंड से रिलेटेड हैं उनको इस बात की जानकारी होगी। देखो स्पेशल क्लास में मैं बस ये बताने आया हूँ आपको कि आप मेरा कोड निराला सर NIRALASIR साथ साथ टॉपिक भी करेंगे, इस कोड का अगर यूज करोगे तो बीपीएससी एग्जाम के लिए, संगीत ने ज्वाइन किया, वेरी गुड संगीत, बीपीएससी एग्जाम के लिए आपको किसी भी कोर्स 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ का, 24 मंथ का ज्वाइन करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको मेरे अलावा बहुत सारे टीचर मिलेंगे इसमें पढ़ाने के लिए। ठीक है तो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट। 3 मिनट के आसपास हो गया हमारा इंट्रोडक्शन का क्लास हो गया, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्लॉक में सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्लॉक में सब लोग क्लॉक जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है सबको। ठीक है बस एक फॉर्मल तरीके से एक फिगर बना लिया हमने, आपको समझ में आ रहा होगा सबको, फॉर्मल तरीके से एक फिगर बना लिया हमने। देखो ये क्लॉक में 12, 6, 3 और 9 क्लियर है ये, फिर उसके बाद 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 ऐसा कुछ,
है ना। देखो क्लॉक में होता क्या है, क्लॉक में अगर हम लोगों ने देखा होगा, सबने देखा है कि एक आवर्स हैंड होता है, घंटे की सुई होता है आवर्स हैंड, है ना। और दूसरा क्या होता है, मिनट की सुई होता है, ठीक है। देखो एक बात बताना, इसका आकार कैसा है, इसका शेप कैसा है, वृत्त के आकार का है, सर्कुलर है, देखो सर्कल है, वृत्त के आकार का है, तो पूरा वृत्त में हाँ कितने डिग्री का कोण बनता है बताओ, 360 डिग्री का कोण बनता है। अब ना इस चीज के लिए हमेशा ध्यान रखना कि पहले सेकेंड, देखो होता है क्या, इसमें एक सेकेंड का भी सुई होता है, अगर क्लॉक में देखो तो सेकेंड का भी सुई होता है, सेकेंड का भी सुई होता है ना बताओ। ओके ओके आलोक कैसे हो, ठीक है, ये समझ रहे हो सब लोग, सेकेंड का भी सुई होता है इसमें। अब देखना सेकेंड मतलब, सेकेंड जो है ना पूरा एक बार पूरा घूम जाता है तो 1 मिनट हो जाता है, मिनट का सुई अगर पूरा एक बार घूम गया पूरा में तो कितना, 1 घंटा हो जाता है ना, 1 घंटे एक सुई आगे बढ़ जाता है। हाँ वेरी गुड, आ रहा है समझ में। हाँ मोनिका गुप्ता ने ज्वाइन किया, धनंजय ने ज्वाइन किया, खुशबू कुमारी ने ज्वाइन किया, वेरी गुड, आ जाओ सब लोग जल्दी से। तो देखो अब जो अभी पहले क्वेश्चन के अलावा अभी जो बात बताने जा रहे, ध्यान से समझना, सेकेंड के सुई के लिए देखो, 60 सेकेंड में 360 डिग्री होता है, सेकेंड 60 सेकेंड में 360 डिग्री कवर करता है, तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री है ना, तो 5 सेकेंड में, तो सेकेंड अगर 5 सेकेंड आगे बढ़ेगा तो 30 डिग्री। उसी तरीके से अगर मिनट की बात करें, मिनट की सुई देखो 60 मिनट में, पूरा मिनट जो होता है 60 मिनट में 1 घंटा कवर करता है, तो 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट कितने डिग्री के बराबर है, तो 5 मिनट कितने डिग्री के बराबर है, 30 डिग्री। तो अगर हम देख सके इसमें, देखो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ देखो ये क्या होता है, 30 डिग्री, फिर ये भी 30 डिग्री, फिर ये भी 30 डिग्री, और ये पूरा देखो फिगर भी लग रहा है ऐसा, 12 और 3 बजे के बीच में कितना बनेगा, 90 डिग्री का कोण। हाँ मोनिका देखो अभी ध्यान से समझना, मैं क्या बताया कि पूरा वृत्त, पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है बताओ, 360 डिग्री का होता है, और जो घड़ी का शेप होता है कैसा होता है, 360 डिग्री मतलब वृत्त के आकार का होता है, ठीक है। तो 60 इसमें 60 सेकेंड मतलब सेकेंड की सुई अगर एक पूरा चक्कर लगाए तो 60 सेकेंड कवर करेगा, तो 60 सेकेंड में 360 डिग्री जाएगा, तो 1 सेकेंड में 6 डिग्री, तो 5 सेकेंड में, कुमार सौरभ ने ज्वाइन किया, वेरी गुड, आ जाओ सौरभ, 5 सेकेंड में 30 डिग्री, मिनट का सुई 60 मिनट में। हाँ धनंजय ज्ञान जी एस गया, वेरी गुड धनंजय, कैसे हो और कैसी चल रही है तैयारी, दरोगा मीन्स की तैयारी कैसे चल रही है, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, वेरी गुड धनंजय, 5 मिनट में 30 डिग्री। बोलो मोनिका समझ में आ रहा है ये बात, पहले एक बेसिक बात बता रहे फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे। कुमार सौरभ मैं भी ज्ञान जी एस से हूँ, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो अब घंटे की सुई की बात करो, सॉरी देखो अब घंटे की सुई की बात करो, पहले घंटे की सुई बताओ, आवर्स हैंड है ना, घंटे की सुई 12 घंटे में, पूरे 12 घंटे में 360 डिग्री जाता है, 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना होगा, तो 30 डिग्री। बोलो समझ गए क्या, ठीक है, ये बेसिक बात समझ में आ गया सबको, बेसिक बात समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया, एक बार यस लिखना। हाँ वेरी गुड अमित, वेरी गुड मोनिका, ठीक है। अब देखो अब एक बात बता रहे हैं, देखो एक अभी जो बेसिक है देखो, सबको एक चीज पता है, जो बेसिक बात सबको पता है, बेसिक क्या बेसिक बात पता है, देखो इसमें जनरली क्या पूछा जाता है, कोई टाइम दे देगा, उस टाइम में घंटे और मिनट के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, क्लियर है, ये पूछता है ना कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो उसके लिए बस एक फॉर्मूला ध्यान रखना, बस फॉर्मूला यूज कैसे करना है उसके हिसाब से, उस फॉर्मूले का ध्यान रखना, उस फॉर्मूले का यूज कैसे करना है उसके हिसाब से,
देखो 30 H, H मतलब आवर्स, कितने घंटे, है ना। यहाँ पर देखो हम अभी प्लस माइनस कुछ नहीं लिख रहे हैं, बस ऐसे लिख रहे हैं, है ना। और दूसरा जो होगा वो 11/2 मिनट, मतलब घंटे को 30 से गुना करना और मिनट को 11/2 से गुना करना। मोहम्मद कालिम ने ज्वाइन किया, वेरी गुड मोहम्मद, आ जाओ, समझ पा रहे हो। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, बस इस फॉर्मूले में क्या ध्यान रखना, देखो इस फॉर्मूले में क्या ध्यान रखना, उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। देखो किसी घड़ी में 7 बजकर, ये सब लोग जानते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो क्या। किसी घड़ी में 7:20 पर घंटे और मिनट के बीच में, घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, घंटे और मिनट के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, आंसर कर सकते हो सब लोग, जो कर सकते हो करो, जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड, संदीप अग्रवाल ने आंसर किया, अमित ने आंसर किया, संदीप अग्रवाल 90 किया, विवेक आहुजा आहुजा ने 100 किया, आसी ने 100 किया, कुमार सौरभ ने 100 किया, क्लियर है। तो देखो अब एक बात बताया है, कुछ नहीं करना, देखो संगीत ने 100 किया, धनंजय ने 100 किया, वेरी गुड। देखो 30, देखो 30 H और दूसरे तरफ 11/2 मिनट, मतलब घंटे को 30 से गुना करना, ठीक है। हाँ मोहम्मद कालिम ने भी 100 कहा, वेरी गुड। अभी दोनों तीनों बात इसी से समझा देंगे, समझ लेना। देखो 30 × 7 जितना घंटा है उससे 7 से गुना कर दिया, है ना, और ये कितना हो गया 210, और 11/2 20 मिनट है, देखो 2 से 10 110। पता है इस दोनों का हमेशा अंतर लेना, कौन ज्यादा है कौन कम है उससे मतलब नहीं, बस इस दोनों का अंतर हमेशा पॉजिटिव में लेना। सतीश मिश्रा ने ज्वाइन किया, वेरी गुड, आ जाओ, इस दोनों का अंतर लेना, कितना अंतर हो गया 100 100 डिग्री, समझ रहे हो। अब देखो एक बात बताना, अगर मैं ध्यान से समझना है, अब जैसे ये घड़ी है, देखो घड़ी है, इस घड़ी पे 7:20, अभी एक रफली बना दे रहा हूं, देखो ये 12 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 7 है, 7:20, तो घंटे की सुई 7 से थोड़ा ज्यादा होगा और ये 20 मतलब 4 पे होगा, बोलो ऐसा होगा ना, बताओ ऐसा बनेगा। ये ध्यान रखना, ये जो 100 डिग्री आया है ना, 100 डिग्री, 100 डिग्री, इसको हम लोग बोलते हैं अल्प कोण, अल्प कोण। अगर कभी ये ना बोले ना क्वेश्चन में, और ऑप्शन का भी ध्यान रखना, ठीक है, दोनों के बीच में 100 डिग्री हुआ तो अगर ये पूछ दे कि कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो आंसर हमेशा 100 डिग्री करना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन में पूछेगा कि बृहत कोण बताओ, बृहत बृहत कोण, तो पता है क्या होता है, ये 100 को 360 से माइनस करना, 360 से 100 को माइनस करना, तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री, सॉरी 260, सॉरी 260। अगर ये पूछ दे इस दोनों के बीच में बड़ा कोण कौन होगा, बड़ा कोण कितना होगा, मतलब कितना डिग्री का कोण बनेगा जो बड़ा होगा, तो क्या आंसर करोगे, 260 डिग्री। लेकिन अगर केवल डिग्री पूछ दे, साथ साथ अगर ऑप्शन में 100 डिग्री होता ही नहीं और इनमें से कोई भी नहीं होता, तो 260 करना होता। क्लियर है ये बात, सबको समझ में आ रहा है, बताना ये बात सबको समझ में आ रहा है, ये बातें सबको समझ में आ रही है। हाँ देखो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो सब लोग, देखो अगले क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग फटाफट करो। अभी हम लोग 3:40 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा, जब भी कितने डिग्री का कोण पूछ दे, और ऑप्शन का भी ध्यान रखना, अगर जो आंसर निकाले वो अल्प कोण है, छोटा कोण है, दोनों के बीच में छोटा मतलब हमेशा 180 से छोटा समझ लेना, 130, सुजीत ने आंसर किया 180, और भी स्टूडेंट आंसर करो फटाफट, आंसर करो फटाफट, आंसर करो, क्योंकि ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद इसमें जो मेनली जो होता है कि भाई 3 और 4 बजे के बीच में संपाती 180 130, पल्लवी ने आंसर किया 130,
वेरी गुड। विवेक आहुजा ने किया 130, हाँ सतीश मिश्रा ने किया 130, वेरी गुड। धनंजय ने किया 130, बहुत बढ़िया। बोलो समझ में आ रहा है सबको? अभी देखो हमने समझाया था घंटे को 30 से गुना करना, 30 या 90 एक तरफ रखना, और मिनट को 11/2 से करना, तो 220 बताओ। 220 और 90 का केवल अंतर लेना तो कितना होगा 130। तो 130 होगा इसका अल्पकोण होगा अगर पूछा, लेकिन अगर तुमसे ये पूछ देता। हाँ ओके सौरभ, कोई बात नहीं, समझ में आ गया। खुशबू कुमारी 30 क्यों? लगता है एक लिखना भूल गया आप, 130 होना चाहिए था। हाँ संगीत 130, वेरी गुड, ये समझ गए। हाँ बताओ इसी क्वेश्चन में अगर हम ये पूछ दें कि 3:40 पर, हाँ आशी वेरी गुड 130, 3:40 पर घंटे और सुइयों, मिनट के सुई के बीच में बृहत कोण कितना होगा, तो बृहत कोण कितना होगा निकालने के लिए। हाँ वेरी गुड 230, सीधा 360 में से माइनस कर देना तो कितना हो जाएगा 230। बोलो समझ पा रहे हो? आगे बढ़े। अब देखो अब एक बात बता रहे हैं, ये चार क्वेश्चन हमने लिखा। हाँ रवि ने ज्वाइन किया है, वेरी गुड रवि आ जाओ। धनंजय वेरी गुड। ये देख रहे हो इस चारों क्वेश्चन का, मैं पहले इसका आंसर बताना सब लोग। 7:35 पर घड़ी के घंटे और मिनट के बीच में, सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, जरा बता सकते हो कोई जल्दी से? कोई बता सकते हो जल्दी से? पहले ऊपर वाला करना, 7:35, 7:35। साढ़े 17, हाँ वेरी गुड। संदीप अग्रवाल 18.5, अमित कुमार ने 17.5 कहा, 17.5, 17.5। हाँ कैसे किया बता सकते हो कोई? प्रशांत कुमार ने ज्वाइन किया, वेरी गुड प्रशांत आ जाओ। 17.5, हाँ वेरी गुड संदीप। और भी सारे स्टूडेंट करो, सबका आंसर आना चाहिए सबका। हाँ हनी शर्मा ने किया, अनीस कुमार सिंह ने ज्वाइन किया, वेरी गुड आ जाओ। सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। कैसे आंसर किया एक बार बताना, कैसे आंसर किया? बताओ जल्दी से सब लोग कैसे किया आंसर। हाँ आपने जैसे बताया, कोई इसके अलावा कोई और तरीका अपनाया कोई? हाँ, इसे तो कर लिया 30, 30H कोई अप्लाया नहीं। देखो एक बात बता रहे हैं, लेकिन ये बस दो केस में होता है और हमेशा होगा। देखो ध्यान दो, एकदम क्लॉक का बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं एक, बहुत अच्छे से समझ रहे हैं सर। थैंक यू सतीश, वेरी गुड सतीश। अभी एक बहुत ही अच्छा क्लॉक का एक बेस्ट ट्रिक बता रहे हैं, जो शायद अभी तक ऐसे तो कर लेते हैं लेकिन अभी ये चीज कभी नहीं पढ़ा होगा शायद, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि कहीं से पढ़े होंगे। लेकिन हाँ वेरी गुड काजल प्रसाद, वेरी गुड एकदम ठीक है सर, 17.5 वेरी गुड। ये समझ में आ गया, ये तरीका तो समझ में आ गया। देखो इसमें किसी को दिक्कत है क्या? मोनिका और भी स्टूडेंट बताना, सारे स्टूडेंट बताना, इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, देखो एक बात बता रहे ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे तरीके से, वेरी गुड। लेकिन ये केबल और केबल इसी में होगा, एक और चीज में होगा बस, बाकी दोनों के अलावा और किसी में नहीं होगा, क्योंकि अभी तक जो हमने जज किया उसके हिसाब से। इसमें जो घंटे देखना ध्यान से, घंटे और मिनट के बीच में अनुपात 1:5 बन रहा है क्या, बताना स्टूडेंट सब लोग, है ना 1:5 बन रहा है क्या? अगर कभी भी ऐसा रहे ना कि घंटे और मिनट का जो भी देर है, 7:35, देखो 10:50, अगला एग्जाम्पल भी वैसे ही लिखा है, देख रहे हो 10:50, 1:5, 9:45, 5:25, 5:25 तो 1:5, देख रहे हो 1:5 का अनुपात बन रहा है क्या, बोलो सब लोग समझ में आ रहा है ये चीज? पहले ये समझो
तब बहुत अच्छे से एक बात बता रहे हैं, एकदम हमेशा आंसर सही होगा। आ गया समझ में? तो कभी भी 1:5 का बने ना, तो जो जितना टाइम दिया है उसमें जो मिनट है, मिनट मिनट को आधा कर देना, हमेशा आंसर आएगा। मिनट को आधा कर देना, हमेशा आएगा। बताओ, 35/2 कर दो, क्या होगा? 17.5, इतना ही डिग्री होगा हमेशा। क्या समझ में आ गया सबको? फिर से बता रहा हूं, क्या क्लियर है? अच्छा लग रहा है ये बात? ये बात समझ में आया सबको? वेरी गुड, समझ में आया सबको ये बात? देखो, 10 बज, अब बताना, तो अब सब लोग बताना, 10:50 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का? हाँ, थैंक यू सौरभ। बस मैं ये बता रहा हूं, जितने भी स्टूडेंट मुझे अभी वाच कर रहे हो, ये तो स्पेशल क्लास है। बस इतना ध्यान रखना कि अगर किसी को भी प्लस कोर्स लेना है तो निराला सर कोड का यूज करना। अगर प्लस कोर्स 3 महीने का, 6 महीने का या 1 साल का जो भी लेना है, तो निराला सर कंटिन्यूअस कैपिटल लेटर में है, निराला सर कंटिन्यूअस कैपिटल लेटर में है, इसका कोड का यूज करोगे तो आपको जो भी कोर्स फी होगा उसमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। बोलो, समझ गए? ये 25 हो जाएगा, 25 डिग्री। अगर कोई चेक करने के लिए भी करना चाहो तो बताओ, 10 या 300 होगा, 30 30H होगा तो 300 होगा, 50 हो गया, 50 का आधा कर लो, 25 25 को 11 गुना कर दो, 275। बताओ इसका अंतर कितना होगा? 25 डिग्री। तो बोलो, इसका जरूरत होगा क्या? नहीं ना? हाँ, क्लियर है? बोलो, सबका हो जाएगा। 9:45 पे घड़ी के सुइयों के बीच में कितना होगा? 22.5। कितना होगा? 22.5। बोलो, 5:25 पे कितना होगा? 12.5। लेकिन ऐसा कब होगा? जब अनुपात कैसा बनेगा? 5 का, मतलब 4:20 है तो 1:5 हो जाए ना, तो 20 को क्या कर देंगे? 10 डिग्री कर देंगे। खुशबू कुमारी 22 क्यों? खुशबू कुमारी 22 क्यों? हाँ, 12.5। क्लियर है? बोलो। अब देखो, अब आगे आ जाओ। देखो देखो, कुछ चीजें हमें सीखना है, समझना है, तो इसी चीज के लिए देखो, इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो कोई? पहले 4:16 पर बताना, पहले 4:16 पर घंटे और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? पहले प्रोसेस से बनाना। नहीं सुजीत कुमार, ऐसे नहीं करना, सुजीत कुमार ऐसे नहीं करना। हाँ, वेरी गुड अमित, एक्सेलेंट, अमित कुमार ने आंसर किया, एकदम एक्सेलेंट, वेरी गुड। देखो ध्यान से समझना, इसका अनुपात क्या बन रहा है? 1:4। अगर 1:5 बने तो मिनट को आधा कर देना, और 1:4 बने तो मिनट को डबल कर देना। 1:4 बने तो मिनट को डबल कर देना, मिनट को डबल कर देना। तो 16 है तो 32 डिग्री हो जाएगा, 36 है तो 72 डिग्री हो जाएगा, 44 है तो 88 डिग्री हो जाएगा, 12 है तो 24 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ऐसा कब होगा? जब, बोलो, सबको समझ में आया? हाँ सतीश, वेरी गुड, सबको समझ में आया ये बात? क्लियर है? समझ पा रहे हो ना सब लोग? ठीक है, लेकिन ये दो केस में ही होगा, बाकी में तुम्हें निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक बार इसको अगर कोई चेक करना चाहे, देखना एक बार बता दें, 4 मिनट, 4 घंटे, तो 4 * 12 120 कर दे। देखो 120 चेक कर लेना चाहिए। 16 हो गया तो 16 को 11/2 से गुना कर देंगे, 2 * 11 = 88। बताओ 120 और 88 में अंतर कितने का है? 32 डिग्री का है। बोलो, समझ गए सब लोग? हाँ, वेरी गुड। अब देखना एक बात, पूरे इसमें देखो, एक आता है संपाती, जिसको बोलते हैं कोइंसाइड, कोइंसाइड, ठीक है, फिर बोलते हैं विपरीत, है ना, फिर बोलते हैं समकोण। ये दिख रहा है सबको? बताओ कोइंसाइड कब करेगा? जब 0 डिग्री बनेगा या 180 डिग्री बनेगा। कोइंसाइड का मतलब है ना, एक दूसरे पे आ जाना। घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे पर आ जाने की बात करेगा अगर, ये 2 मिनट देख लो, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। घंटे और मिनट की सुई एक दूसरे पे आने का मतलब क्या है? या तो 0 डिग्री बनाएगा,
कॉन्साइड करेगा, सॉरी एक दूसरे को, ये 180 नहीं अभी फिलहाल, कॉन्साइड करेगा तो क्या होगा, 0 डिग्री बनेगा, ठीक है ना। लेकिन एक दूसरे पर जब रहेगा तो कॉन्साइड करेगा तब भी होगा ऐसा, संपाती होगा तब भी होगा, देखो संपाती होगा तब भी होगा, या एक दूसरे के बीच विपरीत होगा तब भी होगा। सॉरी, एक दूसरे पर जब आने का बात होगा तो 0 डिग्री का कोण बनाएगा ऐसे देख लो, ठीक है। फिर विपरीत होगा तो क्या होगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। समकोण होगा तो क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक बात बताना, घड़ी में जैसे अगर 12 बज रहा है, 12 तो 12 बज रहा है तो घंटे की सुई भी वही होगा और मिनट की सुई भी वही होगा, 12 बजेगा तो, 12 बजेगा तो इसको कैसा केस बोलेंगे, संपाती बोलेंगे। हाँ, 0 या 360, वेरी गुड अमित, 0 या 360, वेरी गुड। संपाती का मतलब या तो पूरा घूम के वहीं आ जाए या 0 डिग्री का कोण बनाए, ठीक है ना। विपरीत जब होगा तो कैसा होगा बताओ, विपरीत जब होगा तो कैसा होगा, एकदम से अपोजिट होगा। देखो अपोजिट चाहे जहां भी हो लेकिन एक दूसरे के बीच में क्या होगा, अपोजिट होगा। समकोण क्या होगा बताओ, जब संपाती होगा तो 0 डिग्री या 360 का गैप रखेगा, विपरीत होगा तो 180 डिग्री का गैप रखेगा, है ना, और समकोण जब बनेगा तो 90 डिग्री का गैप रखेगा। बताओ 90 डिग्री का जब गैप रखेगा तो कितना मिनट का गैप रखेगा, 15 मिनट का बोलो, 15 मिनट का। जब 180 डिग्री का गैप रखेगा तो कितना मिनट का गैप रखेगा, 180 डिग्री का जब गैप रखेगा तो 30 मिनट का गैप रखेगा, 30 मिनट का। और जब 0 डिग्री का गैप रखेगा तो 0 मिनट का गैप रखेगा। क्लियर है ना, बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब आ जाओ जनरली देखो, ये क्वेश्चन है 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। एक साथ का मतलब 0 मिनट बनना चाहिए, दोनों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनना चाहिए 3 और 4 बजे के बीच में। हाँ, अजय केसरी ने ज्वाइन किया है, वेरी गुड, आ जाओ। शांतनु पासवान ने किया है ज्वाइन, अस्मिता कुमारी ने ज्वाइन किया है, समझ रहे हो, 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच। देखो अब एक बात बताना, एक ही समय पर ऐसे क्वेश्चन में क्या तरीका अपनाते हैं बताना। देखो अभी फिलहाल सपोज करो ये घड़ी है, मान लो इसमें बताओ ये 12, ठीक है, अगर हम देखें ठीक है, कोई आंसर कर सकता है इसका, कोई आंसर कर सकता है, बता सकता है इसको। देखो ये 3 बज रहा है तो पूछ रहा है ना 3 और 4 बजे के बीच में, देखो 4 यहां है, 3 और 4 बजे के बीच में, 3 बजकर 16 मिनट, पूरा पूरा 16 मिनट, संतोष मिश्रा पूरा पूरा 16 मिनट, पूरा पूरा 16 मिनट क्या बताया आपने, तीन बज के 15 मिनट, सुजीत कुमार ने आंसर किया 3 बज के 15 मिनट। कंफ्यूज हूं सर, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूं। देखो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में ना कंडीशन क्या है बताना। काजल प्रसाद ने कहा 3 बज के 12 मिनट, 3 बज के 12 मिनट, और बताओ कोई, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। देखो एक साथ होने का मतलब क्या है, 0 डिग्री मतलब 0 मिनट होना चाहिए गैप, 0 मिनट होना चाहिए दोनों के बीच में। देखो एक बात बताना, 0 डिग्री का मतलब कभी भी ऐसे क्वेश्चन में ना कि 3 और 4, 5 और 6, 7 और 8, मतलब 2 टाइम के बीच में, वो भी कंजिक्यूटिव 2 टाइम के बीच में किस समय पर घड़ी की सुई एक साथ बजेगी, एक साथ होंगी, बहुत बार रहेगा विपरीत होगा, बहुत बार होगा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ऐसा पूछेगा क्वेश्चन में। क्लियर है बोलो। तो ऐसे में ना एक तरीका अपनाना, देखो इसमें क्या तरीका अपनाना है ना, इसमें जो
तीन और चार में जो छोटा है, तीन और चार में जो छोटा है ना, उसको पांच से गुना कर देना। कितने से गुना कर देना? पांच से। तो 15 मिनट हो गया, 15 मिनट। क्लियर है? तीन और चार में ऐसे भी देखो ना, तीन को फिक्स करो, तीन को फिक्स करो, और तीन को फिक्स कर दो, रोक दो। क्या कर दो? रोक दो। ऐसा रुकेगा नहीं। नॉर्मल घड़ी में अगर मिनट का सुई आगे बढ़ेगा तो घंटा भी बढ़ेगा ना आगे। विवेक कुमार गुप्ता ने ज्वाइन किया, घंटे भी बढ़ेगी आगे, घंटे की सुई भी बढ़ेगी। लेकिन अभी फिलहाल इसको सॉल्व करने के लिए तीन को फिक्स कर दो। कैसा कर दो? रोक दो। तो बताओ 12 से, मतलब यहां से इस पर जो कंडीशन है एक साथ होने के लिए कितना मिनट चलना पड़ेगा? 15 मिनट। समझ रहे हो क्या? तो इसलिए हमने क्या बताया, 3 और 4 बजे के बीच में पूछा, तो 3 और 4 में जो छोटा है उसको 5 से गुना कर दो, 15 मिनट। इस 15 को 12/11 से गुना कर देना, हमेशा आंसर सही होगा। इस 15 को 12/11 से गुना कर देना। इस 15 को बबीता सिंह ने ज्वाइन किया 12/11 से, तो क्या होगा? 12 का 15 गुना कितना होगा बताओ? 180 होगा। और 15 150, 15 2 30, 180। 11 से करेंगे एक बार, 7 70, 11 6 66, बच गया 4/11, है ना? 16 सही, 4/11 मिनट। तो अब आंसर क्या करेंगे? 3 बजकर, क्या आंसर करेंगे? 3 बजकर 16 पूर्णांक 4/11 मिनट पर 3 और 4 बजे के बीच में घड़ी की सुई एक साथ होंगी। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? बोलो ये समझ में आ रहा है सर सबको? बोलो ये समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? हाँ, पता ये 12/11 ध्यान रखते हो ना, तो ये फॉर्मूला रखना पड़ता है याद। एक बात बता रहे जो फॉर्मूला कभी नहीं याद रखना पड़ेगा, बस एक कंडीशन का ध्यान रखना। कंडीशन मतलब उसी पर संपाति होगा, मतलब एक उसी पर आने का जो कंडीशन होगा उसका ध्यान रखना। तो देखो हम एक बात बता रहे, ध्यान से समझना सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, और इसी से लगभग सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखना, देखो इसी से लगभग सारे क्वेश्चन को, हाँ वेरी गुड हनी। देखो इसी क्वेश्चन से, देखो सबसे पहले इसमें क्या था, इसमें जो था हमारा, एक मिनट, देखो ये घड़ी है मान लो अभी, ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है। लगो देखो 12 और ये 3, ठीक है, 3 और 4 बजे के बीच में पूछा था, 3 और 4 बजे के बीच में, तो इतना तो कंफर्म है कि 3 से ज्यादा होगा, लेकिन 4 बजे के बीच में है तो 3 और 4 बजे के बीच में ही तो होगा, 4 के आगे तो जाएगा नहीं। तो हमेशा ध्यान रखना इसमें क्या करना, इस जो घंटे की सुई है उसको फिक्स करना, इसको फिक्स करो, फिक्स इसको इसी पर। और कंडीशन क्या था? एक साथ, एक साथ। इसको फिक्स किया तो दूसरे को एक साथ लाने के लिए इसको कितना मिनट चलाना पड़ेगा? 3 1 2, तो एक चलता है तो 30, 5 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट, तो 15 मिनट चलाना पड़ेगा। तो कितना चलाना पड़ा बताना? 15 मिनट। बोलो समझ पा रहे हो सब लोग? 15 मिनट चलाना पड़ा। अब इसमें एक तरीका अपनाना, 15 प्लस, ध्यान से समझना, 15 प्लस 15/11 कर देना, पता यही आंसर हो जाएगा। 15 तो है ही, मतलब जितना चलना पड़ा ना उसमें 15/11 से भाग लगा के जोड़ देना। तो ये देखो ये क्या होगा, एक सही, 4/11, तो 15 1 4 कितना? 15 1 कितना? 16। यानी समझ रहे हो सब लोग? यानी 3 बजकर 16 पूर्णांक 4/11 मिनट पर एक साथ होगा। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है ये बात? सबको समझ में आ रहा है ये बात? सबको समझ में आ रहा है? बोलो सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब देखो, हाँ वेरी गुड अंजोर, वेरी गुड सतीश, हाँ सब लोग, संदीप वेरी गुड। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ सब लोग फटाफट। 7 बजकर 8, 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी?
घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी, 7 और 8 बजे के बीच, 7 और 8। और घड़ी की सुई कैसे चलता है बताओ, क्लॉक डायरेक्शन में। तो 7 बजे अगर बजाओगे तो 12 पर 1 घंटे की सुई, 12 बजे मिनट पे होगा, और मिनट वाला 12 पे होगा और घंटे वाला 7 पे होगा। तो क्या होगा, वहां से 7 बजे 35 मिनट चलना पड़ेगा। बताओ, बोलो, सॉल्व करो सब लोग जल्दी से, सब लोग सॉल्व करो जल्दी से। संदीप अग्रवाल ने आंसर किया, हाँ वेरी गुड, बोलो, सबको सुनाई दे रहा है, दिख रहा है सबको? हाँ एक मिनट, लैपटॉप के चार्ज, हाँ 7 बजकर 38 मिनट, 38 सही, 2 बटे 1 मिनट, मैं चार्जर लगा दूँ लैपटॉप में। हाँ बोलो सबको, अब दिख रहा है, ये समझ में आ गया ना? बोलो, 7 बजे तो कुछ मत करना, 35 मिनट, 7 बजे 35, 35+35/11 कर देना, 11 तिया 33, 3 पूर्णांक 2/11 कितना हो गया, 38 सही, 2/11 कितने बजे के बाद, 7 बजे के बाद, 7 बजकर 38 पूर्णांक 2/11 मिनट पर। बोलो समझ में आ गया सबको? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सब लोग। हाँ, सीधी रेखा, अभी जो मैं बता रहा था ना, सीधी रेखा का 2 केस बनेगा। सीधी रेखा रहेगा तो या तो एक दूसरे पे आएगा, संपाती होगा, 0 डिग्री बनाएगा, या विपरीत होगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा हुआ देखो, 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में है लेकिन एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो समय ज्ञात करो, किस समय पर ऐसा हो रहा था। ट्राई करो सब लोग, किस समय पर ऐसा हो रहा था। हाँ वेरी गुड अमित, वेरी गुड अमित, ये तरीका समझ में आया जो बताया हमने अभी? कोई फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, 9 बजे 45 कर दो, 45+45/11 कर दो, 11 चौक 44 सही, 11 मिनट 9 बजे के बाद। बोलो समझ में आया ये तरीका? धनंजय वेरी गुड, हनी कुमारी ने आंसर, वेरी गुड कुमार, 45/45/11 शॉर्टकट मार दिया सुजीत। चलो कोई बात नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए सब अच्छे से, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो सब लोग, थोड़ा सा मैंने इसमें चेंजिंग किया है, देखना, 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के 3 मिनट दूर होगी? 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के 3 मिनट दूर होगी? हाँ शशि कुमार ने ज्वाइन किया, वेरी गुड शशि, आ जाओ। 5 और 6 बजे के बीच घड़ी के की सुई एक दूसरे के, हाँ 9 बजकर 49 मिनट, हाँ वेरी गुड, हाँ ओके हनी। चलो बताना सब लोग, ट्राई करो इस क्वेश्चन को सब लोग, किस समय पर 3 मिनट दूर होगी, जरा बता सकते हो सब लोग? फटाफट करो सब लोग जल्दी से, अमित, सुजीत, हनी, धनंजय, सतीश,
मोहम्मद कालीम, अनुज संतोष, विवेक आहूजा। हाँ, 5:24 पूर्णांक 3/11। चलो चलो, एक बात बता रहे हैं, ध्यान से समझना। 3 मिनट दूर होगा, जीरो पर नहीं कह रहा है, तो पहले जीरो का केस बना लो। बोलो 5 बजे मतलब 25 होगा। देखो 25, सुजीत कुमार ने 25 + 25/11 -3। वेरी गुड सुजीत कुमार, -3 तो किया, क्या +3 करेंगे तो गैप नहीं होगा 3 का। जीरो के बाद +3 भी कर देंगे तो भी होगा, तो इसमें 2 केस बनेगा। डीलू आनंद, वेरी गुड, 5 बजे नहीं होगा। देखो 25 + 25/11 हो गया ना, ठीक है, 25 + 25/11 हो गया। आ रहा है समझ में? तो ये कितना हो जाएगा, 25 + 11 × 22, 3/11, तो 27। 3/11 हुआ क्या बताना? लेकिन अब 3 मिनट का भी गैप होना चाहिए। राजपाल सैनी ने ज्वाइन किया। राजपाल कैसे हो? नमस्ते नमस्ते राजपाल, कैसे हो? ठीक है ना, 27। बोलो ये समझ में आ रहा है सबको? लेकिन 3 मिनट ध्यान रखना, 3 मिनट के लिए भी वही नियम चलाना, 3 + 3/11। तो 3 सही, 3/11 हो गया यहां से। लेकिन इस दोनों का अंतर लेना होगा। देखो अंतर क्या लेना होगा, अंतर तो 27, ये 3/11, 3/11 सेम है, तो 27 - 3 कितना हो जाएगा, 24। यानी 5:24 पर 3 मिनट दूर होगा। 5:24 जब होगा ना, तो घंटे और 5:24 पर 3 मिनट दूर होगा। 24 सही, 3/11 नहीं। हाँ, राजपाल मास्क पहन लो। हेलो, हाँ मैम, राइट नाउ आई एम इन स्पेशल क्लास। ओके, आफ्टर क्लास आई विल कॉल यू। बोलो ये समझ में आया सबको? अरे बताओ ये बात समझ में आया फिर से? हाँ देखो देखो, फिर से जब समझा रहा हूं ना इसको, देखो सब लोग ध्यान से समझना। क्वेश्चन हमने पूछा है, 5 और 6 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के 3 मिनट दूर होगी। तो सबसे पहले 5 से 25 मिनट बताया था इसको, 5 से 5 गुना कर दो, 25 मिनट। तो अगर एक दूसरे पर होता मतलब 0 डिग्री बनाता तब एक दूसरे पर होता, लेकिन 3 मिनट दूर है तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा। तो 25 + 25/11 कर दो। क्लियर है? बोलो 25 + 25/11 कर दो। समझ गए क्या? 25 + 25/11 कर दो। कर दिया, बताया था ये तो। लेकिन इस पर क्या होगा बताओ? इस पर एक दूसरे पर होगा, एक दूसरे पर होगा, एक दूसरे के साथ में होगा, ठीक है। लेकिन अब 3 मिनट दूर है तो इसको भी वही तरीका अपनाना, 3 + 3/11। लेकिन इस दोनों के बीच में अंतर ले लेना, अंतर माइनस ले लिया तो इस दोनों को घटाएंगे तो 24 मिनट हुआ। पता है जब इसका दूसरा केस भी बनेगा क्या? इसका दूसरा केस भी बनेगा क्या बताना? इसका दूसरा केस भी बनेगा क्या? बोलो इसका दूसरा केस बनेगा क्या? हाँ बनेगा। देखो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से समझना। ये समझ में आ गया ना, 27 3/11। अब 3 गैप होने के लिए क्या होना चाहिए, वही 3 सही, 3/11। लेकिन अगर इससे 3 आगे भी होगा, 3 मिनट आगे भी होगा, आगे होने के लिए उतना ही गैप आगे हो जाए, तो अगर जोड़ दे तब भी तो होगा। तो देखना ये क्या हो जाएगा, 30 6/11, यानी 5:30 6/11 पर भी इन दोनों के बीच में 3 मिनट का गैप होगा। बोलो ये बात समझ में आ गया सबको? बताना ये बात समझ में आ गया?
ठीक है। अब एकदम ध्यान से समझना, देखो स्टूडेंट मैं चीजों को समझा रहा हूं अच्छे से आपको, आपको समझ इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो ये जो 3 मिनट का गैप था ना, इस दोनों क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और तरीका आपको हम समझा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल जितना भी चीज इसमें बताया सबको हम इरेज कर दिया हमने। देखो अब 3 मिनट का दूर है, 3 मिनट दूर है, तो बताओ इसके कारण तुम लोग 25 कर दिए, 5 × 5 = 25। पता है एक बार माइनस कर दो तो 22 होगा क्या, 22, और एक बार प्लस कर दो 3 को तो 25, 3 = 28 होगा। बस इस दोनों के लिए कर लो अलग अलग। देखो 22 + 22/11 होगा, 11 × 22 कितना हो गया, 24 मिनट पर बोलो। और 28 तो 28 + 28/11, देखो हम कितना आसान कर दे रहे हैं तुम्हारे लिए। देखो 11 × 22 तो 2 सही, 6/11, 28 × 2 = 30, 30 × 6/11। और बोलो स्टूडेंट ये समझ में आया नहीं आया। नहीं राजपाल, 5 से गुना हमेशा नहीं करना है, क्लास शुरू से तुम ज्वाइन नहीं किए हो, लेकिन मैं बता दूं इसमें अभी आगे जैसे 5:30 बज जाएगा तो वहां पे कुछ और हम करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल यहां पर जैसे 5 और 6 है तो 5 को 5 से, क्यों, क्योंकि देखो क्या होता है, 5 बज रहा है, देखो 5, इसको हमने इस तरीके से समझाया था, 5 हो गया 5, तो बताओ इसको हम फिक्स करते हैं। हाँ जो दोनों में छोटा है, देखो 5 है एक्चुअली, इसको हम फिक्स करते हैं इसी पर आने के लिए। अगर इसी पर आ जाए तो क्या तरीका अपनाएंगे, तो 12 घंटे की मिनट की सुई इस पर अगर आएगा तो पूरा 25 मिनट चल के आएगा ना, बस यही बात है। बोलो ये समझ में आ गया सबको, बताना सब लोग को समझ में आ गया, मोनिका वेरी गुड, संतोष, अमित, क्लियर है ना ये तरीका, समझ में आया, बोलो। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सब लोग, इस क्वेश्चन को सब लोग सॉल्व करो। 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, कब कब विपरीत होंगी बता सकते हो कोई, 7 और 8 बजे के बीच में घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होगी। देखो विपरीत होने के लिए क्या जरूरी है, विपरीत होने के लिए क्या जरूरी है सबको पता है, ये विपरीत होने के लिए क्या जरूरी है, तो 180 डिग्री का कोण बनना चाहिए। अब 180 डिग्री का कोण हुआ, लेकिन इसके गैप बीच में कितने मिनट का गैप हुआ, 30 मिनट का, तो 30 मिनट का भी ध्यान रखेंगे, 30 मिनट का गैप हुआ, बता सकते हो कोई, 7 और 8 बजे के बीच में 30 मिनट का गैप होना चाहिए। देखना इसको ऐसे समझना, एक बार पहले फिगर से समझा दे रहे हैं, उसके बाद फिर देखो। बोलो अमित समझ रहे हो सब लोग, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ वेरी गुड, देखो ये 6 है अभी 7 है, देखो यहां पे 7, तो 7 बजे की बात अगर करेंगे हम लोग तो कुछ ऐसा होगा, बताओ 7 बजे ऐसा होगा, समझ रहे हो, 7 बजे तो 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, 7 और 8 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होगी पूछ रहा है, समझ रहे हो, तो विपरीत कब होगा, या तो सीधा थोड़ा सा ऐसे हिल जाए तब हो जाए, और या तो कुछ ऐसा है कि इस पर आने के बाद और फिर ऐसा हो फिर उतना चल के हो जाए, तो विपरीत होना चाहिए, विपरीत, तो बताओ 30 मिनट का गैप होना चाहिए, विपरीत होने के लिए क्या, 30 मिनट का गैप, 7:05, 7:10/11, चलो देख लेते हैं। तो देखो अब तुम्हें ना एक चीज ध्यान रखना होगा, 7:12,
चलो देखो, साढ़े सात, 7.5। चलो देखो, एक बात ध्यान रखना, विपरीत के लिए 30 मिनट का गैप होना चाहिए। कितना मिनट का गैप होना चाहिए? 30 मिनट का। फिर से इसमें भी 1 घंटे की सुई को फिक्स करो, तो बोलो 35 मिनट चलना पड़ेगा उस पर आने के लिए। उस पर आने के लिए क्या चलना पड़ेगा? 35 मिनट। लेकिन गैप कितना होना चाहिए? हाँ, 5, 7 बजकर, चलो देखो, 35 मिनट और 30 मिनट का हमेशा अंतर ले लेना, गैप कर लेना। अंतर कितना होगा? 5 मिनट। 5 मिनट को फिर से वही तरीका अपनाना, 5 + 5/11। तो 5 सही 5/11 हो गया। तो कितने बजे के बाद? 7 बजे के बाद। 7:05:5/11 पर, हाँ 60/11 किसी ने लिखा था शायद। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड राजपाल। 10/11 नहीं करना, देखो 5 + 5/11 करते हैं। तो 5 + 5/11 क्या हो जाएगा? हाँ, टाइपिंग मिस्टेक हो गया। बोलो समझ गए क्या? बोलो, ये बात समझ में आया सबको? बोलो, ये बात समझ में आया सबको? हाँ, कोई दिक्कत है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ वेरी गुड, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो एक दूसरे के सीधी होगी लेकिन संपाती नहीं होगी। संपाती नहीं होने का मतलब समझ रहे हो ना? एक दूसरे के फॉर्मूला का यूज का जरूरत नहीं है राजपाल, फॉर्मूले का जरूरत नहीं है राजपाल, फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है। मैंने एक तरीका बताया है कि भाई कितना आगे किसी एक को फिक्स करो, बाकी को उस पर आने के लिए कितना, और फिर गैप का ध्यान रखो, बस फॉर्मूले से ज्यादा जरूरी अच्छे से तुम्हारा हो जाएगा इसमें। बोलो इस क्वेश्चन का आंसर देना। 9 और 10 बजे के बीच घड़ी की सुइयों कब एक दूसरे के सीधी होगी लेकिन संपाती नहीं है? मतलब विपरीत पूछ रहा है। विपरीत मतलब 30 मिनट का गैप होना चाहिए। तो बोलो 9 + 5 = 45 होगा। 45 45 - 30 कर दो, 30 मिनट है उसको हटा देना, तो 15 हो गया। तो 15 + 15/11 जितना आ रहा है ना फाइनल, उसी से डिवाइड, उसी को उसी में 11 से डिवाइड करके जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 16। 4/11 हो जाएगा। कितने बजे के बाद? 9 बजे के बाद। हाँ वेरी गुड सतीश, वेरी गुड आनंद, क्लियर है? बोलो क्लियर है? बोलो। हाँ देखो, जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सब लोग, जल्दी से फटाफट करो सॉल्व। 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? कब एक दूसरे के विपरीत होंगी बताना। घड़ी की सुइयां 4 और 5 बजे के बीच में कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? हाँ सही है। बोलो, हमेशा ध्यान रखना, 4 जो छोटा है उसको 5 से गुना कर दो, 20 मिनट हुआ। लेकिन 30 मिनट विपरीत का केस में 30 मिनट होना चाहिए। दोनों के बीच में अंतर कितने का? 10 का। बस 10 + 10/11 कर दो। कितने बजे के बाद? 4 बजे के बाद। 4 बजकर 10 पूर्णांक 10/11 मिनट।
क्लियर है सबको, समझ में आ रहा है सबको? जरा इस क्वेश्चन का आंसर करना, समकोण, समकोण कब बनाएगी? 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुई कब एक दूसरे के बीच समकोण बनाएगी? बताओ समकोण क्या होगा, समकोण का क्या तरीका है? समकोण के लिए 90 डिग्री होगा ना, बताओ। समकोण जब होगा, अगर हम बात करें समकोण जब होगा तो 90 डिग्री बनेगा घंटे और मिनट के सुई के बीच में। तो या तो 3 बजेगा तब होगा, और जब 9 बजेगा तब होगा। देखो 9 बजेगा तब, मतलब एक बात समझ रहे हो, 2 बार होगा क्या? 2 बार होगा क्या? एक बार पीछे होगा, एक बार आगे होगा। लेकिन बताओ समकोण 90 डिग्री हो रहा है, तो 15 मिनट का गैप है क्या? 15 मिनट का गैप है क्या? बोलो। जैसे ये पूरा 180 डिग्री था, तो 30 मिनट का गैप था, तो ये 15 मिनट का गैप होगा। तो 4 को 5 से गुना करो तो 20 मिनट तो होगा। लेकिन समकोण बनाने के लिए क्या करना, समकोण बनाने के लिए क्या करना, 15 को पहले घटा देना तो 5 होगा। तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, 5 + 5/11। देखो 5 + 5/11 तो 5 पूर्णांक 5/11 होगा। कब? तो 4 बजकर 5 पूर्णांक 5/11 मिनट पर। हाँ वेरी गुड राजपाल। अब देखो लेकिन 90 डिग्री का कोण हमेशा 2 बार बजेगा, क्योंकि देखो ऐसा भी तो हो सकता है कि उससे मिले और उससे फिर 15 मिनट के गैप पे चला जाए आगे। तो इसमें तरीका ये अपनाना कि फिर आप 20 + 15 कर देना 35, 35 ठीक है, और 35 + 35/11 करना, 35 + 35/11 करना, ठीक है। अब देखो 35 11 33 3 38 सही 2/11, मतलब 4 बजकर 4 बजकर 38 मिनट 38 पूर्णांक 2/11 मिनट पर भी उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। बोलो ये समझ पा रहे हो सब लोग, 90 डिग्री का कोण हमेशा 2 बार बनेगा, ठीक है? सबको समझ में आ गया? ढीलू आनंद, धनंजय, राजपाल, हाँ वेरी गुड। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ये दोनों टाइम बता दो सब लोग ध्यान से, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सब लोग। तो देखो स्टूडेंट, जिस भी स्टूडेंट को बीपीएससी एग्जाम के लिए, अगर अनअकैडमी प्लस कोर्स ज्वाइन करना है, तो आप निराला सर का कोड जरूर से यूज करना, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। निराला सर का कोड जरूर से यूज करना तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर है? बोलो, ये समझ में आ रही है बात सबको? बताना। हाँ इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, 6 और 7 बजे के बीच घड़ी की सुई कब एक दूसरे के बीच समकोण बनाएगा? समकोण बनाने के लिए क्या तरीका अपनाओगे? 6 × 5 = 30 होगा, देखो 30, और 15 मिनट होना चाहिए, तो 15 + 15/11, 15 × 16, 16 × 4/11 है ना। तो एक टाइम हो जाएगा 6 बजकर 16 पूर्णांक 4/11 पर। दूसरा क्या होगा, 30 + 15 कर देना 45, और 45 + 45/11, 11 × 44, 45 × 4 = 49, 49 6 बजकर 49 पूर्णांक 1/11 मिनट। बोलो क्या सबको ये समझ में आया अभी तक? आज जो हमने कराया, इसका जो अगला पार्ट है, क्लॉक का अगला पार्ट है, मैं बहुत ही जल्दी, ज्यादा चांस है कल लेके आ जाऊं। टाइमिंग मैं बता दूंगा, एक बार नोटिफिकेशन को देखते रहना आप, ठीक है? इसका नेक्स्ट सेशन जो है, नेक्स्ट
बहुत सारे इसमें और भी कंडीशन बनते हैं, उसको हम आगे कराएंगे। बस ये बताओ ये क्लास कैसी लगी सबको, साथ साथ रीजनिंग की ये क्लास कैसी लगी? अनअकैडमी पे रहता हूँ राजपाल, कोरोना के चक्कर में क्या करूं, कोरोना ऐसा मार दिया है सबको, पूरे देश को, पूरे विश्व को, कि अनअकैडमी पर ही ज्यादा बेहतर है काम करना। थैंक यू खुशबू, थैंक यू अमित, थैंक यू हनी, झारा लगवा लो, वेरी गुड। हाँ थैंक यू डिलू आनंद, संगीत वेरी गुड, थैंक यू। देखो ये फ्री क्लास है, ये स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे कोई भी विंग का देख सकता है, ये फ्री क्लास है। तो मैं बस यही चाहता हूँ सबसे, बस यही चाहता हूँ कि जो भी प्लस कोर्स, देखो प्लस कोर्स हमारा अभी, प्लस कोर्स हमारा देखो अगर हम बता दें तुम्हें, तो अभी 5 बजे शाम को रीजनिंग की क्लास चल रही है और 9 बजे मैथ की क्लास चल रही है। मैथ की आज मैथ का नया टॉपिक उसमें स्टार्ट होगा, एलिगेशन और मिक्सचर। मैथ का एलिगेशन और मिक्सचर स्टार्ट होगा। रीजनिंग का सीटिंग अरेंजमेंट का आज लास्ट क्लास है, सीटिंग अरेंजमेंट का जो बैठक व्यवस्था होता है, सीटिंग अरेंजमेंट का जो बैंकिंग स्पेशल, क्यों क्या हुआ राजपाल? ठीक है चलो फिर, जिसको भी कोर्स लेना है एक बार जरूर से, सबको समझ में आया, क्लास समझ में आया? ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच सबको, बाय बाय बाय, टेक केयर सब लोग। जो स्पेशल क्लास वाले हो वो क्लास लेना नहीं भूलना, आज 5 बजे रीजनिंग की क्लास है और 9 बजे मैथ्स की क्लास है। ठीक है, बाय, टेक केयर हनी, बाय मोनी मोनिका, बाय डिलू आनंद, बाय आशी, बाय विवेक आहूजा, बाय अंजोर आर्ट संतोष, सब लोग को बाय एक बार फिर से। थैंक यू वेरी मच बीइंग पार्ट ऑफ अन अकेडमी विथ मनीष निहाला सर, थैंक यू वेरी मच।